पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे, और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में, खत्म करने में सक्षम है। ये अल्टीमेटम उन कट्टरपंथियों को जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज उस नफरती सोच को जो लोगों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का रामपुर, जिनके नाम में ही राम है, वहां एक मंदिर के परिसर में अवैध कब्जा कर मदरसा चलाने का आरोप लग रहा है। आसपास में मदरसा था पहले कभी? नहीं, ये मदरसा नहीं था। ना ना, अब दोबारा मदरसा बनाया गया है जी। कब्जा किया गया है, इसको कब्जा मुक्त कराया जाए, मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। आज नक्शा भी दिया गया है और खतौनी भी दी गई है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मंदिर की जगह है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये जगह मंदिर की थी, इसको खाली करवाया जाए। मंदिर में जबरन कब्जा कर मदरसा बनाने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साफ साफ कर दिया कि कार्रवाई हो, नहीं तो वो खुद इसका हिसाब करें। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे, और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में, खत्म करने में सक्षम है। हिंदू संगठन के आरोप को मदरसा चलाने वाले मौलवी ने कोरा झूठ बताया है। मौलवी का कहना है कि मदरसा सालों पुराना है और मुस्लिम गाँव के बीच में मंदिर है। यह मदरसा 1981 में दादा का इंतकाल हुआ है, तो दादा की कब्र यहीं है। ये मदरसा 60 साल पुराना मदरसा है और ये मंदिर की जगह नहीं है। मदरसा बना कर के चालू कर दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से बनाया गया है। ये एक अवैध कब्जा है, मंदिर की अराजी है, जिसपे जबरन एक तरीके से कब्जा करके उसमें मदरसा चालू किया गया। रामपुर के प्राचीन शिव मंदिर में मदरसा बनाने का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और अब बात तोड़फोड़ तक आ गई।